जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि SDM कार्यालय में अंबेडकर महाशाला की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। आइए मालूम करते हैं क्या मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है, किस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है। दलित मृतक हरीश बैरवा को न्याय दिलाने के संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अम्बेडकर महासभा की ओर से, जिसमें मृतक को न्याय मिलना चाहिए। मृतक की जो संदिग्ध हत्या की गई है, ये बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। इसमें अपराधियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और जो लोग कह रहे हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे, रास्ता जाम कर देंगे, तो ये काम तो हम भी कर देंगे, हमसे ये नहीं होता है क्या? तो हम प्रशासन से मांग ये है कि उचित कार्रवाई हो, उचित जांच हो, न्यायिक जांच हो, और जो कल्पित है उनको सजा हो, फांसी जो भी है उनको सजा हो, बाकी जो धीरज बैरवा है उसको न्याय मिलना चाहिए। हरीश बैरवा, इसमें सबसे बड़ा जो गंभीर विषय है वो ये है कि जो पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है वो अवैधानिक है, नियम विरुद्ध जाके और जो पुलिस है उसको गिरफ्तार किया गया जांच के नाम पे, जबकि ये वैधानिक की हैसियत पुलिस प्रशासन के पास थी नहीं, और हिरासत में रख के और फिर उसको प्रायोजित तरीके से कुछ लोगों से मिलके और ये हत्या की गई है, तो ये पूरा एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र की सक्षम और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जांच निष्पक्ष नहीं होगी, आंदोलन पूरी तरह से सजग रहेगा। हरीश बैरवा को इससे पहले जब थाने के अंदर बुलाया गया था और मैरिज सर्टिफिकेट उसका जब्त कर लिया गया था थानेदार के द्वारा, SHO के द्वारा, तो उसके बाद में फिर SHO ने, पुलिस ने ही उस जो उसकी मंगेतर जो थी उनको, उनको दोनों को एक साथ भेज दिया, और उसके फिर बाद में षड्यंत्र पूर्वक टीम बना करके और पुलिस गठित करके और उसको जो हरियाणा से उसको गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है। जब वो लोग शादी कर चुके हैं पहले, उनको पुलिस छोड़ चुकी है, तो फिर गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सारा काम षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, और जब वहां से गिरफ्तार करके लेके आए तो उसको ट्रेन में जैसे ही गंगापुर सिटी की सीमा लगती है, पहुंचती है, तो उसको जो है षड्यंत्र पूर्वक उस बंदे की हत्या कर दी जाती है। इसके लिए समाज में पूरा आक्रोश है, और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ असामाजिक तत्व जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, प्रशासन को भी धमका रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। पूरा समाज इससे आक्रोशित है। जो लोग एक पुलिस अधिकारी को धमका रहे हैं, उनको आप असामाजिक तत्व, उनको आप जो है वो मतलब बहुत एक निंदनीय है, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केस किया जाए। और ये आर्टिकल नंबर 22 की तोहिन की गई है, पुलिस प्रशासन ने बड़ी लापरवाही की, और आर्टिकल नंबर 22 की बिल्कुल तोहिन की गई है, ये अवहेलना की गई है, इससे शायद जहर। जो फाइल है ना उसकी ADCP में चली गई है, हमारे यहाँ भी कोई तफ्तीश भी नहीं है, और आपका ये जो इंदौर है वो पहुँच रहा है। लेकिन एक सर निवेदन है कि इसी परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था और कराई जाना चाहिए, लोग नाजायज तरीके से उसको धमकी दे रहे हैं, इसी प्रवृत्ति न हो। गढ़मोरा थाना जहाँ उनका लगता है वहाँ पे वो रिकमेंडेशन है। बात तो सुनो, आप क्यों कर रहे हैं रिकमेंडेशन, हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं है, आप कौन हो हमें क्या पता, जो परिवार जो पीड़ित है वो हमारे पास आएगा तो हम उसको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, उसका अगर समस्या है तो वो गढ़मोरा पेश करे, और पुलिस का काम तो सुरक्षा मुहैया कराने का, यहाँ की करे चाहे वहाँ की करे। सर एक छोटा सा निवेदन, एक समस्या आती है तो वहाँ सर आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो, ये लोकतंत्र है, पुलिस सबको यहाँ पर एक एडिशनल SP को धमकाया जा सकता है, तो क्या उसके लिए उसके ऊपर कितना दबाव हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं सर। दबाव को वो हमारे सामने प्रेजेंट तो करे, पुलिस के सामने प्रेजेंट तो करे, ऐसी आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर देंगे हम सर, वीडियो के अंदर पूरा उसको दबाव एडिशनल SP साहब को धमकाया जा रहा है। आप परिवार की बात करो, आप फालतू की राजनीति में, जी जी जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं चाहिए। हाँ हम यही निवेदन चाहते हैं, तो यही हो रहा है।
इसीलिए तो जांच वहां पे भेजी, जो पोस्टमार्टम करवाया वो भी जुडिशियल इंक्वायरी में करवाया, आपको पता ही है। बहुत अच्छी बात है, काम सारा फेयर हो रहा है, कोई हम निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि ये जो जो उनके पुलिस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और सस्पेंड भी होने चाहिए पुलिस कर्मचारी। सस्पेंड से क्या दोबारा अम्बेडकर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वीर हरीश बेरवा को न्याय मिले, न्याय दो। मृतक हरीश बेरवा को न्याय मिले, न्याय मिले। हरीश बेर पुलिस कर्मी है उनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषी है उनको फांसी दो, फांसी दो। आर्टिकल 22 की अगर अवहेलना की जाती है तो उनको फांसी दी जानी चाहिए, पुलिस प्रशासन हम सभी को। अम्बेडकर महासभा की तरफ से ये आज डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया गया है, और आइए मालूम करते हैं क्या मांग रखी गई आप लोगों ने। पीड़ित परिवार है उसको प्रोटेक्शन की मांग हमारी मांग है, उस परिवार को धमकाया जा रहा है और उनको डराया जा रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग पुलिस अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको भी धमका रहे हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये हमारी मेन मांग है। दूसरी बात, जो लोग अपराधी है इस पूरे मामले के, हम चाहते हैं न्यायिक जांच हो, फेयर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी प्रशासन से मांग है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार एक एडिशनल एसपी साहब को धमकाया गया है, असामाजिक तत्व कह सकते हो आप उनको, कुछ भी कह सकते हो, लोकतंत्र हम मानते हैं सबको, आज लोकतंत्र के तहत हम अपनी बात रखने आए हैं, लेकिन धन्यवाद प्रशासन को देना चाहेंगे, प्रशासन ने भी अपनी भूमिका अदा करी, मजिस्ट्रेट जाँच बैठाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सी बी आई को जाँच दी उसके लिए भी उसको धन्यवाद है, लेकिन जब वर्तमान में जो परिवारजनों को धमकाया जा रहा है, चाहे वो फोन के जरिए धमकाया जा रहा है, चाहे उनको कैसे धमकाया जा रहा है, तो हम प्रशासन से अपील करेंगे कि उनको उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और साथ ही इस जो पूरे मामले पूरा पटाक्षेप क्लियर होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो आम हो, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। धन्यवाद।